प्रशासनिक अनदेखी से नाराज और सड़क की मांग करके हार चुके ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने चंदा करके अपनी बस्ती तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण शुरू भी कर दिया है और इसमें लगातार गांव भर के लोग श्रमदान कर रहे हैं। असल में आजादी के बाद से अब तक यहां पर सड़क नहीं थी। जी हां, बात कर रहे हैं हम सतना जिले के सोहावल ब्लॉक में आने वाले तुर्री गांव का। यहां रहने वाले लोग बारिश के मौसम में अपने घरों में कैद होने को मजबूर होते हैं और नरकीय जीवन जीते हैं। बस्ती तक पहुंचने के लिए लोग कीचड़ भरा सफर करते हैं। कई सालों से सरकार के लोगों से यहाँ के जो ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग की, धरना किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान का बहिष्कार भी किया। इसके बाद भी गांव में सड़क नहीं बन पाई। अब ऐसे में ग्रामीणों ने खुद से सड़क बनाने का फैसला किया है और इसके निर्माण में जुटे हुए हैं। 1000 आबादी वाला ये तुर्री गाँव सोहावल ब्लॉक के खमरिया ग्राम पंचायत में शामिल है। इस बस्ती तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। गर्मियों में तो लोग किसी तरह से पगडंडियों से आते जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इस रास्ते से पैदल निकलना भी दुर्भर होता है। बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं और आपातकालीन स्थिति में लोग बेहद परेशानी का सामना करते हैं। गाँव में सड़क निर्माण के लिए लोग कई वर्षों से प्रयासरत रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन न ही स्थानीय पंचायत ने और न ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने, बड़ी एजेंसियों ने इस ओर कोई ध्यान दिया। अब ग्रामीणों ने खुद ही स्वावलंबन के लिए कदम बढ़ाया है। गांव के लोगों ने चंदा किया और यहां तक कि यहां जो मासूम बच्चे हैं इस गांव के, उन्होंने अपने जो गुल्लक में पैसे रखे हुए थे उसे भी दान कर दिया है सड़क बनाने के लिए। सारे लोग इस सड़क बनाने में जुटे हुए हैं और ग्रामीण लगातार श्रमदान करके सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क के लिए कोई जमीनी विवाद है। जिस पगडंडी से लोग आते जाते हैं वो बिल्कुल सरकारी है, किसी भी तरह से कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसके लिए लगातार लापरवाह बने रहे और एक अदद सड़क तक बनाकर इस गांव को नहीं दे पाए। हालांकि अब जिम्मेदार अधिकारी ना ही कुछ ज़्यादा इसमें बोलने को तैयार हैं, बल्कि अगर बोल भी रहे हैं तो वो एक दूसरे कर्मचारियों पर अपनी जिम्मेदारियाँ टाल रहे हैं। बहरहाल कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वावलंबन का नारा दिया है वो और कहीं दिखे ना दिखे, लेकिन इस गांव में जरूर दिख रहा है। सरकारी मदद की बाट जोहने के बाद जब ग्रामीण हार गए तो खुद ही स्वावलंबी बन गए और अपने आने जाने के लिए सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। वो भी ऐसे रास्ते का निर्माण उन्होंने शुरू किया है जो 7 दशकों से उदासीनता की भेंट चढ़ा हुआ था। सतना न्यूज के लिए नरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ग्राम तुर्री मेन रोड से हमारे परसाह की रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर है। आज़ादी के बाद से, या तो यूँ कहूँ कि जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक, इस सड़क में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सड़क न होने के कारण बरसात के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जा पाना बहुत मुश्किल होता है, या तो कोई बीमार होता है, किसी महिला की डिलीवरी डेट होती है, तब इनको रास्ते में ही इनकी दुर्दशा हो जाती है। हम हॉस्पिटल लेके इनको नहीं पहुँचा, वाहन किसी भी प्रकार का महोदय हमारे गांव में नहीं आ पाता है, ना ही एम्बुलेंस आता है। अगर बीमार कोई होता तो हम कंधे में लेके जाते हैं। पिछले साल ही एक वृद्ध की हमारे यहाँ एम्बुलेंस ना आने के कारण मृत्यु हो गई थी, रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। पटवारी से लेके हमने मुख्यमंत्री महोदय तक को ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, आज तक इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। और तब समस्त ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि हम अब प्रशासन का छोड़ते हैं, चंदा इकट्ठा करके 50 से 60 हज़ार का चंदा इकट्ठा किए हैं और इस सड़क को चलने योग्य हम लोग स्वयं ही बना रहे हैं। चंदा करके हम लोग बना रहे हैं, मेहनत अपन सब मेहनत कर रहे हैं, चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे कोई भी हो, सब कोई मेहनत करके इस रास्ते को चलने योग्य बना रहे हैं। मैं तुर्री परसहा का निवासी हूँ। यहाँ शासन प्रशासन से गुहार लगाया गया है सड़क निर्माण के लिए, सड़क का निर्माण उन्होंने नहीं करवा रहे हैं। हम लोग ये जो जन सहयोग से बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग महिला ये सब हम काम कर रहे हैं, इधर शासन प्रशासन की मदद नहीं कर रही है। और ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो स्कूल जाने में असमर्थ रहते हैं, हमारी एम्बुलेंस आती है, महिलाएँ डिलीवरी के लिए प्रसव रास्ते पर हो जाता है, हर प्रकार की सर इस प्रकार की समस्याएं हैं। जो कि अब हम चंदा इकट्ठा करके डोनेशन करके हम ये सब काम निर्माण करवा रहे हैं। तो मामले में इस वीडियो सर बता पाएंगे, मैं जानकारी
आप किस पद? मैं एडीएम। अच्छा।